दानिश अहमद में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। स्पाइरल प्लांट एक लो मेंटेनेंस और इजी टू ग्रो प्लांट है। इसे हम घर में हैंगिंग बास्केट्स में लगाकर अपने घर की खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं। इसके ये पंप सूखते हैं जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसकी पानी की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम होती है। स्प्रे बॉटल की मदद से इस पर स्प्रे करें और थोड़ा बहुत पानी इसके पॉट में डाल दें तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती है। इसे हम दो तरीक़ों से प्रोपोगेट कर सकते हैं। एक तरीका है रूट डिवीजन का, जैसे कि ये दो पौधे नज़र आ रहे हैं, अमीने यहाँ से निकाल के एक अलग गमले में एक पौधे को शिफ्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो है पब्स की मदद से इसकी प्रोपोगेशन। इसमें स्पाइडर प्लांट में ऐसा होता है कि जब इसकी ग्रोथ अच्छे से चलती है तो इसमें पब्स निकल आते हैं जो कि गमले से बाहर लटक रहे होते हैं। तो इसे हम ये इसकी शाख इससे काट के दूसरे गमले में शिफ्ट कर लें तो इसकी ग्रोथ वहाँ भी बहुत अच्छे से चल सकती है। स्पाइडर प्लांट के पब्स को ग्रो करने के लिए हमने 50% कोकोपीट और 50% रिवर सैंड का इस्तेमाल किया है। स्पाइडर प्लांट के पब को काटने से पहले गार्डनिंग प्रूनर को अच्छी तरह पानी से धो लें ताकि किसी किस्म का इन्फेक्शन पब में ट्रांसफर ना हो। स्पाइडर प्लांट को पब से ग्रो करने के लिए एक बड़े और मैच्योर पब का इंतखाब करें। को गमले में शिफ्ट करने से पहले इसके जो जड़ों के पास इसके छोटे छोटे पत्ते हैं उन पत्तों को एहतियात से तोड़ दें। गमले में शिफ्ट करने के बाद स्प्रे बॉटल की मदद से अच्छी तरह पानी दे दें, क्योंकि हमने इस सॉइल में कोकोपीट और सैंड का इस्तेमाल किया है तो इसे पानी की रिक्वायरमेंट जो है थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि कोकोपीट काफ़ी सारा पानी अपने अंदर जज़्ब कर लेता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि शुरू में जब आपने पब लगाया हो तो इसे अच्छी तरह पानी दे दें जिससे आपका सॉइल जो है बिल्कुल मॉइस्ट हो जाए। पब को गमले में लगाने के बाद शेडी एरिया में रखें। ये स्पाइडर प्लांट का पब मैंने तकरीबन आज से कुछ महीनों पहले सेम सॉइल टाइप में लगाया था जिसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही है। पत्ते इसके फुल लश ग्रीन हैं और इंतहाई खूबसूरत लग रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।